बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ आपका चालू, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है बहुत अच्छा और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हेलो, हाँ आ जाओ, आ गए। हाँ हेलो, बात आवाज नहीं आ रही तुम बात। हेलो, हमारी बड़ी दीदी आ रही है। हेलो, तो हम उसी की बात, हमने आपसे ये बात शेयर नहीं करी थी, लेकिन अब शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाके तो आप हमारे साथ बने रहिए। और मेरी बड़ी वाली दीदी जा रही है, जीजा जा रहे हैं, और बड़ी बेटी जा रही है, उनका बेटा जा रहा है, और राघव जैसे मैं और ये जा रहे हैं, जीजा नहीं जा रहे। जीजा को कल फरीदाबाद जाना है, जीजा को सुबह मेरठ ड्यूटी जाके फिर मेरठ जाना है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं मैं रात को आराम करूँगा, फिर मैं तो कल थक जाऊँगा। तो हम लोग जा रहे हैं, चलिए रात को आ जाएंगे। हाँ रात को आ जाएंगे, हम भी जरूरी है इसलिए रात को जा रहे हैं। आप बने रहिए, हम दिखाएंगे। खुशी है बहुत ज़्यादा। चलो हाँ चलो, हाँ तुम इधर खड़े जाओ, हाँ दीदी के पास पीछे। ये मेरे पास है। ये देखो, इसलिए सजाने के लिए लिया है। और फ्रेंड हम सब जा रहे हैं, मेरी दोनों बेटी है, लगती नहीं है पर मैं ही लग रही हूँ छोटी। पता ना कब हुई अमीर गाड़ी है। इसको देखो, आजा आजा आएगा दानी, दानी दिखा इसको, मेरे पैर क्यों खराब कर रहा है मैं इसका। शोर है तू जैसे राघव, नहीं शक्ल देख रहा है, नहीं शक्ल देख रहा है, फोन में जैसा लगता है कि अब ज्यादा क्यूट सा लग रहा है। अम्मा आओगे, आजा, यू नो हु आई एम, नाना। नो नाना, क्योंकि बाबू ये नानू आते नहीं है इसको। मौसा के पास चला गया, सब शक्ल एक जैसे है ना। रानी राघव जैस को पकड़ा दे ऊपर, जैस को आगे बैठा कर रहा हूं, जैस बाबू आगे बैठो, सुन बाबू ये बड़ी अमीर हो गई ना, तो सब पैसे फोन रखने के लिए। अंश पकड़ियो, अंश पकड़, सौरभ तो देखिए जी, हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं अपने घर, और दीदी मेरी कुछ लेने गई है सामान, अभी एक ही दुकान मिली है, पूरे जहाँ से आए हैं वहाँ से लेके यहाँ तक एक ही दुकान मिली है दीदी को। आपने सोचा भी नहीं होगा हम ऐसी चीज़, हमें ही खुद नहीं वो हो रहा था कि एकदम से ही, मतलब हाँ मतलब कि हमें एकदम से इसे हमें लगा था हम कल जाएंगे, तो हमने सोचा कि अभी हम आपको भी कल ही बताएंगे। अचानक हमारा प्रोग्राम बन गया, फिर अचानक प्रोग्राम बन गया, रहा ही नहीं गया जी, खुशी ऐसी है ना, खुशी ऐसी कि रहा ही नहीं गया, दूर दूर से व्यवहार मिलने आ रहे हैं, ससुराल से लौंडिया भी आ गई, ऐसी खुशी किससे बर्दाश्त नहीं होगी। बने रहना हमारे ब्लॉग में। ये बाबू को क्यों लेकर गए थे बारिश में? अरे तू बाबू को मत दिखाओ ना, अंश अंश ठीक हो रही है, बैठो बैठो, मुंह तो बांध दे, सारे भैया बाहर आ रही है, आगे आगे। अरे सौरभ ऐसे मत करो, घर जाए, क्या हुआ अपने अपने बाहर आ रही है, अपने अपने घर पहुंच जाए। दीदी आ गई है, नहीं मानसी के लिए सामान ले आई है, सामान ले आई बाबू के लिए, पता नहीं। देखिए जी हम पहुंच गए, भूल गई मान से सच्चे में है। अच्छे देखो अंशु क्या लगे, बहन जी गुब्बारा कितने का? 5 रुपए का ही है, बड़ा सस्ता, लेकिन मैंने लिए 400 रुपए में, बड़ा सस्ता। चलो बाबू को ए बाबू को ले आना, चल तो आजा, लाओ नहीं तो दे दूंगी, आजा बाबू को ले लो, गाड़ी में खड़ी करेंगे, हां वो जगह ढंग की नहीं है ना, आजा 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 फिर आ।
अब पूजा पहले पहुंच गई थे, कोई दिक्कत तो नहीं बिना चुन्नी के चलने की? नहीं, हाँ मम्मी के सामने ले लिया, चुन्नी तो रखनी चाहिए। अरे मैंने गाड़ी आ जा, तो फोन कर दे अंश से, कह दे अंश ले आएगा। मम्मी देखो खड़ी, मेरी मम्मी खड़ी है ऐसे, बड़ी जल्दी तुझे, बड़ी जल्दी भाभी नमस्ते, तुझे बड़ी जल्दी हो रही थी, मम्मी नमस्ते। ये रखवा दो दीदी फ्रिज में पहले। नानी नमस्ते, अंश ले ये फ्रिज में रख के बेटा, खराब हो जाएगा। पीछे को पीछे का ये लैटरिंग कर दिया। अरे चल 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 से फटावानी लगाना था, दे चल वही लगा दे। हां वही लगा लेंगे, कोई डस्टबिन में फेंको। मौसी का काम आगे होगा। अरे तू निकाल ना, क्या करना है तुझे, तो पूछेगी तुमने। मानसु तो है ना, मान से कर तो रही है यार, तो इसको गागो पकड़ के रखो, उसको छोड़ना है, छोड़ोगे तो उड़ जाएंगे फटाफट। ये देखो भाभी तैयारी कर रही है, भाभी की भाभी है ये, ये तैयारी कर रही है। तो बैलून कैसे फुलाएंगे? हे मानसी मुझे तेज गिरा दी तूने यार, कलर वाइट है। चुन्नी लो मामी से ना, मामी ये बड़े तो मैं भी फुला दो। एक चुन्नी दे दो ये कवर करने के लिए, पूरा दे दो, एक कवर करने के लिए चुन्नी दे दो, इसको पूरे को कवर कर दूंगी ना मैं, सब कपड़े यार नहीं छूट गए तो फिर नहीं आएंगे हाथ में, हैं बताना इसको, छूट गए तो दे दो, दे दो, दे दो, कोई बात नहीं, छोड़ियो मत, अगर छूट गए रखो, अब गुब्बारे फुला लो, छोड़ियो मत, ये बड़े बड़े गुब्बारे मैं भी फुलाऊंगा। देखिए जी जल्दी तैयारी चल रही है ना, है तो नहीं, हां नहीं है, काकर राजकुमार को, लेकिन तेरे तरीका को है ये, वो ना है, वो ना है ना, व्हाइट कलर का कॉटन का होएगा ना, वो रहेगा उसमें। ये देखिए मैंने तैयारी कर दी है, दिया भी बना दिया आटे का, थाली सजा रही हूँ। मीठे का कुछ है मम्मी? मीठा कुछ है? है लादी है ना, इसमें दूध ना लेकर जा बीबी, भाभी देना, दुकान बंद है जाएगी, दूध लाना पड़ेगा। हाँ चाय वाय भी तो बनेगी, मंगा लेती दूध मम्मी। आओ गाने से चढ़ाने जा रहे, मैं ब्लॉग में तैयारी कर रही हूँ, थोड़ी ब्लॉगिंग कर दे ले हमारी मम्मी, रुई मंगा ले। अरे हाँ क्या अंशु, दीपा पूजा से कोई स्पीकर वगैरह कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी आने में? बाबू में सब सोए पड़े, मैं किस मम्मी बोलेगी, पूजा मम्मी से कह दे, मम्मी देख लेंगे। कैसे ये पंखा पंखे में आ गया, हमें पता नहीं था पंखा चालू था। हाँ मौसी मंगवा लो, नीचे ही बजाएंगे, पर नीचे, हाँ नीचे, नीचे तो जाना ही नहीं है, लेकिन नीचे तो जाना ही नहीं, गली में रखवाएंगे बाहर ना। हाँ इधर ये तैयारी कर रही है पूजा, और किस चीज की तैयारी कर रही है ये भी, ये अभी हमने बताया ही नहीं अपने ब्लॉग में, बता तो दे किस चीज की तैयारी, बताएंगे नहीं दिखाएंगे। और आप तो वैसे भी कुछ समझ ही गए होंगे वैसे तो, ये मानसी और अंशु तैयारी कर रही हैं। ठीक है तो मेरे बर्थडे में और मेरी शादी के सालगिरह में आया करना, जब आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे ना। अच्छा मेरे फॉलोवर्स जितने तू लगा रही है इतने हो जाए, है 1 मिलियन है। कह रही है इनकी दीवार कैसी है, क्यों
चिपक गई अच्छा चार पांच स्टेप ठोक गई हां बड़ी बड़ी लगान छु बड़ी बड़ी ये लूड है ना कैसी दे रही है ये बुला दो अंशु बहुत है गुब्बारे बैलून बस और फुला लो बाकी जीने पे भी लगा देना ना एंट्री पे मेरे तो ये दुख जाएंगे गले तू दो दस दिन में लगा रही है हेलो जी फ्रेंड देखो इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं और लाइक और सब्सक्राइब कर देना और आगे का जो ब्लॉग देखना वो हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए बाय बाय टाटा।